सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले व्हाट्सएप के बारे में। जैसे गाइस आप लोगों को पता है व्हाट्सएप के अंदर न्यू अपडेट आ चुका है, ठीक है। जहां पे हम लोग का स्टेटस शो कर रहा था वहां पे अपडेट शो कर रहा है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और वहीं पे गाइस आप लोग को एक प्लस का आइकन भी देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। इस प्लस का आइकन पे क्लिक करने के बाद काफी सारे लोगों को यहाँ पे फाइंड चैनल का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और काफी सारे लोगों को यहाँ पे क्रिएट चैनल का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। साथ यहाँ पे फाइंड चैनल का जो ऑप्शन होता है वो भी मिलता है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन काफी सारे लोगों को यहाँ पे जो फाइंड क्रिएट चैनल का ऑप्शन है ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्रिएट चैनल का ऑप्शन कैसे शो करेगा ये मैं आपको आज इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, लेकिन उससे पहले इतने बंदे चैनल भी नहीं पहली बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करना, अगर गाइस आप लोग के व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है, अपडेट वाले ऑप्शन पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको जो स्टेप बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो और ध्यान से फॉलो करो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, प्ले स्टोर को ओपन करो, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे सर्च करो व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप लिखो, व्हाट्सएप लिखने के बाद आपको व्हाट्सएप मैसेंजर मिलेगा। अगर आप लोग को यहाँ पे अपडेट मांग रहा होगा, ठीक है, अपडेट मांग रहा है तो पहले आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगर आपका अपडेट करने के बाद यहाँ पे आज आओगे, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग को यहाँ पे जो चैनल का ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्रिएट चैनल का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, तो गाइस आपको करना क्या पड़ेगा कि आप लोग एक बार ना व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है, व्हाट्सएप जो बिजनेस अकाउंट होता है उसको गाइस आप लोग डाउनलोड करना और इसमें गाइस आप लोग अपना व्हाट्सएप को बनाना, ठीक है। हो सकता है क्योंकि जो बिजनेस वाला होगा उसी को ये ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट का, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप मतलब मेरा जो चैनल देख रहे हो ये मेरा बिजनेस अकाउंट बना हुआ था, ठीक है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँ। तो ये मेरा जो सॉरी ये मेरा नहीं है, ये वाला जो देख रहे हो ये बिजनेस का अकाउंट है, ठीक है, जो कुछ स्टेप्स आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जो नॉर्मल अकाउंट है कुछ अलग ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए गाइस यहाँ पे मतलब बिजनेस अकाउंट मेरा बना हुआ है, अगर आपका शो नहीं कर रहा तो आप लोग बिजनेस अकाउंट में बना लेना, ठीक है। ये था दूसरा सेटिंग। बात करें तीसरा सेटिंग के बारे में, देखो अगर आप लोग इसी वाले व्हाट्सएप के अंदर बनाना चाहते हो तो एक बार क्या करना, इस वाले व्हाट्सएप को आप लोग अनइंस्टॉल करके फिर से डाउनलोड करना, लेकिन उसकी उसका एक प्रोसेस बताता हूँ। इससे गाइस आपको क्या हुआ, जो चैट आप लोग होता है जो चैट जिससे आप लोग बात करते हो ये सब आपका डिलीट नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को देखो यहाँ पे थ्री विंडो मिल जाएगा देखेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग पे आना और यहाँ पे गाइस वो क्या करना, चैट का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बैकअप चैट का, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैकअप चैट का ऑप्शन मिलेगा और नीचे ऐप पे गूगल आईडी लिखा होगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, गूगल अकाउंट का, और ये वाला आईडी में आपका बैकअप हो जाएगा। आप लोग चेंज करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, बैकअप पे क्लिक करना, बैकअप पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो मैसेज वगैरह होगा उसको बैकअप करना स्टार्ट कर देगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और कुछ देर के बाद आपका जितना भी डाटा है ये बैकअप होकर इस वाले ईमेल आईडी में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आने के बाद क्या करना, इसको अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। इसको अनइंस्टॉल करने के बाद आप लोग क्या करना, प्ले स्टोर को ओपन करना और दोबारा से यहाँ पे व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसके बाद कैसे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल के बना लेना और वहाँ पे जो बैकअप आप लोगों ने डाटा किया उसको आप मतलब ट्रांसफ़र कर लेना, ठीक है। तो आपका चैट भी नहीं उड़ेगा और आपका जो फंक्शन है आपका जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये सब कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये सब फिर भी आपका नहीं आता है, आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन है इसको हटाना और यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन लाना, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, सिंपल से आपको लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे आ जाना है। इंस्टाग्राम पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरे को फॉलो करना है और यहाँ पे आपको मैसेज करना है ऑल्ड व्हाट्सअप, ठीक है, ऐसे लिख के भेजना ऑल्ड व्हाट्सअप या फिर ओल्ड वर्जन व्हाट्सअप ऐसे लिख के भेजना। आपको यहाँ पे ओल्ड वर्जन का जो व्हाट्सअप है वो मैं दे दूंगा जिसमें आपको यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन शो करता है ये शो नहीं करेगा, आपको स्टेटस का ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से कहीं से आप लोग अपने जो व्हाट्सअप के अंदर फाइंड चैनल का ऑप्शन आता है या फिर क्रिएट चैनल का जो ऑप्शन होता है उसको आप लोग ला सकते हो, कुछ इस टाइप से शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस था जो भी स्टेप था मैंने इस वीडियो अंदर बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो अंदर था मिलते और वीडियो अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, चैन फंदे मातरम।